अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मैक। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि फीफा एशिया चैंपियनशिप का आज ग्रैंड फिनाले कुछ ही लम्हों में स्टार्ट होने वाला है। और उम्मीद करता हूं कि टीम हॉट शॉट आज पाकिस्तान को बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी और बहुत अच्छा एंड करेगी। जो भी लोग आज मैचेस को देख रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे खुद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पर्सनली। लॉबी ज्वाइन कर ली है और मैच स्टार्ट होने वाला है तो काफ़ी एक्साइटेड है हम, देखते हैं क्या होता है। तीन मैचेस हो चुके हैं, टीम हॉट शॉट से जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह का गेम प्ले अभी तक नज़र नहीं आया। जो तैयारियां थी उस पर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आई है टीम हॉट शॉट। शुरुआत अच्छी नहीं हुई कह सकते हैं कि शुरू के दो मैचेस में आपसे जो है वो बोनस रहा, सामने वाली टीम को आपके पास लूट नहीं थी, अच्छा अटैक नहीं कर पाए। लेकिन थर्ड मैच आपने गलती की, क्लैश लैंडिंग की, नुकसान उठाना पड़ा और अब चार मैचेस हैं तो टीम हॉट शॉट अभी भी टॉप एट की जंग, टॉप सेवन की जंग जीत सकते हैं अगर वो अपने अच्छे तगड़े कमबैक पे आ जाते हैं। चार मैच हो चुके हैं गाइस और काफी सनसनीखेज मुकाबला दिखाई दिया जा रहा है। एचक्यू स्पोर्ट्स का धोबी ले जा चुके हैं लेकिन अभी के लिए टीम हॉट शॉट जिस तरह का चौथे मैच में लूट होना, एक अटैक और ये अच्छा नजर नहीं आया। लेकिन खैर दो तीन मैचेस की बात करें तो वहाँ उनका बैड मैच नजर आया। टीम हॉट शॉट ने काफी कोशिश की कि वो लोग जोन को पकड़े पर जोन का काफी डिसएडवांटेज था उन्हें फोर्थ मैच में, पर डिसीजन मेकिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डिसीजन ले रहे हैं जोन में जाने के लिए। और जोन में जाते हुए अपने प्लेयर्स को घुमा देना, इस चीज का उन्हें काफी नुकसान हुआ। बहुत अच्छी लूट की फोर्थ मैच में तो, लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा अभी तक के लिए। टीम हॉट शॉट जो है वो डिलीवर नहीं कर रही है जिस तरह की गेम है। लेकिन अनस ने कोशिश करके फिर वो डाउन किया, बचना नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। टीम हॉट शॉट शट डाउन होने के बहुत ज्यादा करीब, हेडशॉट लेकिन शट डाउन किया। यहाँ इख्तिताम होता है FFAC का, फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप का। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आई और इसको बेहतर कर सकते थे। हॉट शॉट से कम ये जरूर उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना डे एंड टॉप सिक्स में करें लेकिन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उनकी गलती ये हो सकती है कि जिस तरह उनका गेम प्ले चेंज हो रहा था वहीं पर एक प्लेयर को, हम मैंने पहले भी बात करी टीम फाइव म्यूटेंट्स की, टीम नो चांस की, प्लेयर मिस किए जा रहे थे वहाँ पे और यहाँ पे भी मिस किया जा रहा है। किसको? शवाल को, जो कि जोन बहुत ही तगड़ा प्रिडिक्ट करके देते हैं टीम हॉट शॉट्स को। उसके अलावा मैं अगर तीन मैप की बात करूँ जो कि इनके लिए टीम की लैंडिंग करना, बहुत तगड़ी फाइट करना, टीम को अधमरा करना और उसके बाद जो थर्ड टीम आती है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, ये तीन मैप में उनके लिए बैड पैच कह सकते हैं। उसके अलावा एक टीम में, एक मैच में जो बरबुदा का मैप था जिसमें वो जोन से बाहर ही मौजूद थे और वो एक भी नया चेंज मिला, लेकिन चेंज होने के साथ साथ जितना चेंज कर रहे थे उसके साथ शव्वाल को भी उनका ऐड करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शव्वाल जोन को बहुत तगड़ा प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, जो स्ट्रेटजीज बनाई थी वो काम नहीं आया। नहीं, जहाँ फाइट हो रही थी वहाँ पे मतलब दो तीन टीमें हो जाती थी एक जगह, प्रॉपर फाइट नहीं हो रही, या तो लैंडिंग पे ही फाइट हो रही है तो मतलब कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही। वीक पॉइंट सबसे मेरे ख्याल से हमारे मतलब लैंडिंग को इतनी खास नहीं थी,
नहीं हाँ वैसे वो बाहर की टीम से तो काफ़ी खेला हुआ है, हमारा था फर्स्ट टाइम था, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार बेहतर करेंगे।